ठीक है, फिर तुम लोग मजे करो। यारो अभी पार्लर जाएगा और मम्मी को मिलेगा। पता नहीं मम्मी सुबह से यारो को देखकर अजीब सा बिहेव क्यों कर रही है। बाय। पार्लर इनकी भी मम्मी है यार। प्रेम बैठ जा। वैसे अमर, ये अग्रवाल अंकल यारों की तरह जुप 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 फुल स्पीड में कैसे काम कर रहे थे। हाँ, और मुझे ये भी नहीं पता था कि अग्रवाल अंकल की मम्मी भी पार्लर में काम करती हैं। अरे तबेले की भैंस की तरह करता रहेगा, कुछ बोलेगा भी। अरे नहीं, का मतलब ये है क्योंकि मेरे शातिर दिमाग ने मिस्ट्री सॉल्व कर दी है कि अंकल ऐसा क्यों कर क्या कर रहा है यार। जो अंकल है ना, वो अंकल ने अपने अंदर यारो की टेक्नोलॉजी फिट कर दी है, इसीलिए वो यारो के तरह बिहेव कर रहे हैं और वो ये सब कर पा रहे हैं। उनके अंदर यारो के फीचर्स आ गए हैं, उन्हें बड़ा मजा आ रहा है यारो को। अरे वो गरीबों के ब्यूमकेश बख्शी, अगर ऐसा ही होता तो वो यारो यारो क्यों बोलते, उनको अपना नाम तो याद होता ना एटलीस्ट। हेलो, कैसे हो बच्चों? मुझे देखकर तुम लोग ऐसे डर रहे हो जैसे कभी कभी बीना जी को मैं बिना मेकअप के देख के डर जाता हूँ। जोक मारा भाई, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। अंकल, आप इतनी जल्दी कपड़े बदल के आ भी गए? इतनी जल्दी मतलब? मैं सुबह उठा, नहाया, धोया, कपड़े बदले और आ गया। अच्छा ये बताओ कि यारो को कहीं देखा तुम लोगों ने? अरे तुम लोग तो मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे बिना तैयारी के बच्चे एग्जामिनेशन पेपर को देखते हैं। अरे मैंने पूछा यारो को कहीं देखा है तुम लोगों ने? अरे सुबह सुबह तो आए थे यार। आप ही तो आए थे सुबह साफ सफाई करने अंकल। मैं? हाँ, पर मेरी समझ में एक बात नहीं आई, आपकी मम्मी भी पार्लर में काम करती हैं क्या, जिनसे मिलने आप गए थे? मेरी मम्मी पार्लर में? हाँ। आज सुबह से कुछ अजीब अजीब बातें हो रही हैं मेरे साथ। अच्छा देखो बच्चों, मैं अभी जा रहा हूँ, और अगर यारो आए ना उसको बोलना मुझे मिले, मुझे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है उससे। बाय। अरे लाजवंती, हम तुम्हें चमका के रहेंगे। हाँ, मेरा हेलमेट टोपा सिंह। हेलो चतुर्वेदी अंकल। अब क्या? चतुर्वेदी अंकल, होप यू आर फाइन। हम फाइन नहीं हैं, समझे ना। हाँ, आप हमारी कुंडली में शनि की तरह बैठ गए हैं, निकलने का नाम ही नहीं लेते हैं। हमारी ठोकर के रहेंगे आप? अरे इतना तो मियाँ बीबी भी घर में नहीं मिलते हैं जितना आप हमें सोसाइटी के बाहर मिल जाते हैं। चतुर्वेदी अंकल, मैं तो आपको ये बताने आया था कि आपके पैसे मेरे पास सेफ है, मैं आपके पैसे पापा को दे दूंगा। पैसे? मुझे आपने 5,000 रुपए दिए थे पापा को देने के लिए, वो दे दूंगा। ए राम रे। अरे यार तुम हमको ना पागल करके रहोगे। कभी कहते हो कि पैसे मिल गए, कभी कहते हो कि पैसे नहीं मिले, इस क्या लगाए हुए हो? मैं समझ गया कि तुम हमको गधा बना के रहोगे, वो भी एकदम थोक। आदमी को गधा बनाना मुश्किल है, बल्कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है चतुर्वेदी अंकल। अरे यार, अरे सुबह से दो दो बार कपड़े बदल चुके हो, आवाज मोटी पतली कर लेते हो, कभी अग्रवाल बन जाते हो तो कभी यारो बन जाते हो, क्यों हमको तपा रहे हो यार? आए, कमाल बात है। अरे हम यहाँ के सेक्रेटरी हैं,
आप ज्यादा मजाक मत करो। और 36 बार तुम हमको अंकल बोल चुके हो, अब हम ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम कंप्लेन तुम्हारी ना सोसाइटी के सामने रखेंगे, हम आपकी ठोकरवा के रहेंगे, समझे ना प्रोफेसर अग्रवाल साहब। मैं प्रोफेसर अग्रवाल नहीं हूँ, वो तो पापा है, मैं तो यारो हूँ। आप भूल रहे हैं। अरे हम नहीं भूल रहे हैं, आप भूल रहे हैं, समझे ना, आप जो है यारो नहीं है, प्रोफेसर अग्रवाल, प्रोफेसर अग्रवाल, प्रोफेसर अग्रवाल है। अरे यार उल्टा चोर कोतवाल की ठोकर है, कमाल है यार, परेशान कर दिया हमको आपने। हटो आप। चतुर्वेदी अंकल मुझे बार बार पापा क्यों बोल रहे थे, यारो को जानना होगा। अब मैं जरा पूछ के पूछ सकती हूँ कि आप यहाँ क्यों आए हैं? आपसे मिलने का दिल कर रहा था मम्मी। मम्मी? मम्मी? बीना जी आपको ये मम्मी कहते हैं? हाँ हर रोज डेली सुबह शाम मम्मी मम्मी मम्मी। मजाक मजाक। गोगी जी ये सुबह से ना हो के बहुत ही मजाकिया मूड में है। एक्चुअली गोगी जी हुआ ये था कि जब हमारा यारो हो के बहुत छोटा था और उसने बोल बोल के हमें मम्मी पापा ऐसे बोल बोल के बोलना शुरू किया था, तो हमने भी एक दूसरे को मम्मी और पापा बोलना शुरू कर दिया था। यारो तो बड़ा हो गया लेकिन ये मेरे अग्रवाल साहब रह रहे के छोटे ही रह गए। मम्मी मैं पापा नहीं, मैं तो यारो हूँ, मैं यहाँ आपका हालचाल पूछने आया हूँ। अग्रवाल साहब आपकी चाल तो बिगड़ी हुई लगी रही है, आपका हाल तो मैं बिगाड़ूंगी घर जाके। अब आप जा के घर जाइए, वहीं आपसे निपटती हूँ मैं। मेरा मतलब है कि आप घर जाइए, मैं वहीं आके आपसे बात करती हूँ। चाचा के जाइए ना अग्रवाल साहब, ये मेरा पार्लर है, लेडीज ब्यूटी पार्लर, आप यहाँ आके नहीं आ सकते, आप घर चलिए मैं आती हूँ। ठीक है यारो जा रहा है, और आप कैसी हैं गोगी आंटी? है? क्या बोला आपने? आंटी कहा, आंटी। मैं आंटी दिखती हूँ? मैं आंटी हूँ, मैं आपसे 20 साल छोटी हूँ। मजाक मजाक। अरे गोगी जी कहा ना आपसे कि हो के सुबह से बहुत ही मजाकिया मूड में है। आपके मूड की वजह से ना यहाँ सबके मूड का बैंड बज रहा है, इसलिए आप प्लीज अभी के अभी घर जाइए, मैं आती हूँ। मैं जा रहा हूँ मम्मी, बाय। गोगी आंटी बाय। मेरा आंटी? आंटी कहा मुझे उन्होंने, मैं नहीं रुकूंगी। अरे गोगी जी वो बेइज्जती नहीं थी, उनका मजाक था। अरे क्या था? अरे बेटा आराम से। किसने धो दिया आपको? बिल्कुल ऐसे जैसे मोहनजोदड़ो फिल्म ने हिस्ट्री को धो दिया था। अरे बेटा ये मत पूछो, ये जो थो हुई है ना उस अग्रवाल के वजह से सारी थो हुई है। अग्रवाल अंकल तब तो जरूर कोई एक्सीडेंट हुआ होगा। अरे कोई एक्सीडेंट फैक्सीडेंट नहीं हुआ है, उसने जानबूझ के निशाना साधा, हमारी खोपड़ी को गोल बना के उस पर फुटबॉल उसने दाग दिया, और एक बार नहीं दो दो बार। दो दो गोले? हाँ, अरे हम उसको छोड़ेंगे नहीं, उस अग्रवाल की तो हम फूंक करके रहेंगे। अरे जीजू छोड़ो ना, ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है जीजू रीटा। पगला गई हो क्या तुम? हाँ? ये छोटी बात है, अरे इस चक्कर में हमारी छोटी जान के प्राण पखेरु उड़ जाते, अब बड़ी यहाँ छोटी छोटी बात करने वाली। जीजू मैं तो बस ये कह रही थी। मैं तो कह ही रही थी, कहने तो दो। अरे मैं तेरे बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं उसके बारे में बोल रही हूँ। अरे पूछिए ना किन की बात कर रही हूँ। नहीं पूछूंगा तो तुम क्या बताओगी? नहीं क्या तो बताओ। मैं अग्रवाल साहब के बारे में बोल रही हूँ, और किसके बारे में बोल रही हूँ? तो अग्रवाल साहब ने तुम्हारे साथ क्या किया? उन्होंने बहुत बड़ी ठोकर दी। बहुत हुआ, अब बहुत हुआ, समझे ना। और अगर हमने अग्रवाल साहब की अब ठो न की ना, तो हमारा नाम चतुर्वेदी चिंतामणि नहीं। अरे एक सेकंड जीजू सुन तो लो, क्या ठोकी उन्होंने? उन्होंने हमें वो बोला है
पूछना क्या बोला है? क्या बोला है? उन्होंने हमें आंटी बोला है, और क्या बोला है? जवान औरत को कोई आंटी बोलता है भला? क्या तुमको आंटी बोला? खुद उम्र की वजह से यमराज के बुलावा आया, अब वो तुमको आंटी बोल रहा है। आप दोनों के दोनों बात को कहां से कहां लेके जा रहे हो? मजाक किया होगा उन्होंने। मजाक? अरे मजाक उसने आज सुबह हमसे किया। यारों के कपड़े पहन के अपने को खुद कूल एंड दूर समझते हैं, हमसे पैसे ले लेता है और भूल जाता है, और उसके बाद कहता नहीं हमको तो पैसे मिल गए। हम आप फुटबॉल मार के ना हमारी खोपड़ी के अंदर के दिमाग का उन्होंने ठोकर दिया। अग्रवाल साहब को हो क्या गया है? गलत फहमी हुई होगी। अरे हाँ, गलत फहमी तो उनको हमारे बारे में हो रही है। उनको क्या लगता है कि वो हमारी ठोक करते रहेंगे और हम कुछ नहीं करेंगे? ना, अब तुम देखना। अरे हम ऐसी ठोक करेंगे कि ठोक के ऊपर ठोक होगी उनकी। जीजू, अब आप करने वाले क्या हैं? अरे हम सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं और हम सोसाइटी की मीटिंग बुलवाएंगे और उस मीटिंग में हम उस प्रोफेसर को बायकॉट करवाएंगे और उसकी मेंबरशिप जो है ना उसकी मैं ठोक कर दूंगा जब तक कि वो गोगी से माफी नहीं मांग लेते। ये तो गलत बात है जीजू। अच्छा, तुम ही तो कहा करती थी ना कि जीजू मोहब्बत और जंग में सब ठो है, तो बस अभी मैं जा रहा हूँ और उसको मैंने जो पैसे दिए ना उसके हिसाब का क्लियरेंस कराऊंगा और उसके बाद फिर मैं देखता हूँ, अरे कहीं वो भूल ना जाए। हाँ, अब मैं इसकी ठो करके आता हूँ। जीजू तो बड़े गुस्से में लग रहे हैं और गुस्से में आदमी गड़बड़ करता है, मुझे प्रोफेसर अंकल को बताना होगा। अग्रवाल साहब, आप ये कर करके क्या कर रहे हैं? एक नया सर्किट पे काम कर रहा हूँ बीना जी। उधर होइए। अरे उधर होइए। अरे आप तोड़ दिया सर्किट आपने। ये कर क्या रहे हैं आप? अरे कहा ना मैं एक सर्किट बना रहा हूँ नया। जी नहीं, कोई सर्किट नहीं बना रहे हैं आप, बेवकूफ बना रहे हैं। किसको बना रहा हूँ? मुझे और किसको? बीना जी आप बताएंगे कि हुआ क्या है नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक? क्या हुआ है? अग्रवाल साहब हो कि आज जो हुआ है ना वो इन द हिस्ट्री ऑफ अग्रवाल आज तक कभी नहीं हुआ। तो बता दीजिए कि आज क्या हुआ है। मैं बता दूं, आपकी वजह से आज हो के सबके सामने मेरी बेइज्जती हुई है। देखिए बीना जी, मैं थोड़ी डाइटिंग कर रहा हूँ, वेट कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे साथ बाहर जाने में आपको थोड़ा ऑड लगता है, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मैं इस बेइज्जती की बात नहीं कर रही हूँ, ये तो जो है सो है। मैं उस बेइज्जती की बात कर रही हूँ जो आपकी वजह से हो के मेरी हुई, सबके सामने मेरे पार्लर में। आपके पार्लर में? जी हाँ। आपका मतलब है कि मैं आपके ब्यूटी पार्लर में आया था? अरे मैं लेडीज पार्लर में क्यों जाऊंगा बीना जी। देखिए अग्रवाल साहब, बन बन के इतने भोले बनने की कोई जरूरत नहीं है। एक तो आके अचानक मेरे लेडीज ब्यूटी पार्लर में आ गए, ऊपर से उस गोगी जी को बोल बोल के आंटी बोल दिया। माय गॉड। अरे वो तो लगते ही आंटी जैसी हैं। उनका तो मुझे आंटी बोलने का दिल बहुत सालों से कर रहा है, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन दिल का करना और मुंह से कहना दो अलग बातें होती है। मैं क्यों बोलूंगा आंटी उनको? अग्रवाल साहब, आप जो ये कर करके सुबह से मजाक कर रहे हैं ना मेरे साथ, मुझे आके बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। आप तो उसको प्लीज स्टॉप कीजिए अभी के अभी। बीना जी आप प्लीज मुझे बताएंगी कि मैं सुबह से क्या कर रहा हूँ? आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं पता। बिल्कुल नहीं पता। नहीं पता। मैं बताऊं? बताइए। बता बता के मैं बताती हूँ। बैठिए 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 वहाँ बैठिए। आप सुबह से कर करके यारों की आवाज में मुझसे बात कर रहे हैं। कौन मैं? हाँ आप। आप पहन पहन के उसके कपड़े पहन रहे हैं। मैं? जी हाँ आप। और तो और ब्रेकफास्ट टेबल में आप कर करके मुझे कितना परेशान कर रहे थे। जी हाँ आप, आप, आप। इतना सब कुछ काफी नहीं था क्या अग्रवाल साहब? ऊपर से आके मेरे पार्लर में आ गए, सबके सामने बोल बोल के मुझे मम्मी तक बोल दिया। बीना जी आपको क्या हो गया? मुझे बताइए कि मैं अपनी बीवी को, अपनी अर्धांगिनी को, अपनी मम्मी क्यों बुलाऊंगा? तो क्या मैं बना बना के कहानियां बना रही हूँ? ये तो पता नहीं। अच्छा एक बात बताइए, डोंट माइंड जो मैं पूछ रहा हूँ, आज कहीं चलते फिरते घर में आपके सर पे कोई चोट तो नहीं आई ना? नहीं तो आप कह के कि ये कहना चाहते हैं कि मेरा फिर फिर के दिमाग फिर गया है? मैं आपको डायरेक्टली कैसे कह सकता हूँ कि आपका दिमाग फिरा हुआ है? लेकिन इनडायरेक्टली तो आप यही कह रहे हैं मुझे। अरे बीना जी कोई भी पति अपनी पत्नी को ये बात बोलकर इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा? मम्मी मुझे ये पापा, सब कुछ नहीं, एक यारो आ गया। करके पापा
मच्छर घुस जाएगा। अपना मुंह बंद कीजिए आप दोनों। आप दोनों मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हैं? क्योंकि तू यारो हूँ। आप हमेशा मुझे देख के खुश होते थे मम्मी पापा, लेकिन अभी आप मुझे देख के ऐसा आश्चर्यचकित क्यों हो रहे हैं? यारो, तूने मेरे नए सॉफ्टवेयर से अपने आप को बदलने की कोशिश तो नहीं की ना? हाँ पापा, लेकिन आपका सॉफ्टवेयर तो फेल हो गया। आपको दुख हुआ क्या? अरे बेटा, जो हुआ वो बता नहीं सकता, ले तू खुद ही देख ले ये क्या हुआ। देख। Oh my dad, दो पापा। दो पापा नहीं है, एक मैं हूँ और एक तुम। बीना जी, ऑफ कर दीजिए। हाँ। मतलब मैं आपके जैसा बन गया पापा? यारों का नाचने का मन कर रहा है, यारो नाचेगा। यारो सुन मेरी बात, सुबह से तू नाच ही तो रहा है और नचा नचा के हमें भी साथ में नचा रहा है। मुझे पता नहीं है कि सुबह से क्या क्या हो गया। इससे पहले कि और कोई बड़ी परेशानी हो, बस बेटा बस। और तेरी वजह से आज मुझे सुबह नाश्ता भी नहीं मिला, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। हाँ, और कि मेरी बेइज्जती भी हुई सबके सामने पार्लर में। सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, यारों से बहुत बड़ी गलती हो गई, पर ये लीजिए आपके पैसे। ओफो, तो इन पैसों के लिए मैं खामखा चतुर्वेदी साहब को डांट रहा हूँ सुबह से। हे भगवान, पता नहीं हो कि और क्या क्या हो गया होगा। यारो यारो, हो कर हमारे साथ क्या हो रहा है, आपको क्या बताएं हम बीना जी? अग्रवाल अंकल, आपने कभी बताया नहीं कि आपकी मम्मी के साथ साथ आपका जुड़वा भाई भी है। अरे बेटा, ये तुम्हारा दोस्त है यारो। ये यारो है? हाँ, अपना यारो। मेरे एक सॉफ्टवेयर की वजह से ये बिल्कुल मेरे जैसा दिखाई दे रहा है आज। तो इसकी वजह से हम ऐसे कंफ्यूज दिख रहे हैं सुबह से। अरे प्रेम, सिर्फ तुम नहीं, सुबह से घूम घूम के मैं भी कंफ्यूजन में घूम रही हूँ। हाँ, और इन दोनों ने ये भी कहा था कि आप पगला गए हैं, और तो और आपको मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया। क्या बोल रही है? अरे हाँ हाँ बेटा, जो हुआ मैं समझ सकता हूँ कि क्या हुआ, डोंट वरी। हाँ सर, अब समझ सकते हैं, समझ सकते हैं। वैसे सर, एक बात बताएं, जब यारो आपके रूप में हमारे घर में आया था और एकदम साफ सफाई कर रहा था अपने सुपर पावर के साथ, तब हमारे दिमाग के होशो हवाज ही उड़ गए थे और हम लोग तो बेहोश हो गए थे। हाँ, I'm sorry दोस्तों, यारो को तो कुछ भी पता नहीं था। यारो पापा के जैसा हैंडसम हो गया। एक मिनट, दो अग्रवाल अंकल के साथ सेल्फी तो बनती है ना? बताओ, जहाँ हो की इतनी कंफ्यूजन हो रही है और इसे सेल्फी की पड़ी है। कुछ भी हो जाए मैं ठोक करके रहूंगा भाभी जी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.